एक समय ऐसा था जब भारत अपनी पहचान खो चुका था, लेकिन देश में बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थिति आई कि आज भारत की दुनिया में अलग पहचान है और सम्मान के साथ हर भारतीय को देखा जाता है। ढालपुर में बीजेपी की महारैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने कहा कि प्रदेश के लिए जो योगदान पीएम मोदी का रहा है वो सराहनीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज प्रदेश में कांग्रेस के नेता भी दिल्ली जाकर कहते हैं कि हमारी मदद करो और प्रदेश में आकर कुछ और बयान देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रदेश के लिए केंद्र सरकार जो मदद दे रहा है वो बिल्कुल भी नहीं रोकी गई है और ना ही कम की गई है। कांग्रेस के मंत्री और नेता गलत बयान दे रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक मदद को रोका गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिल्ली जाकर के कहते हैं हमारी मदद करो, पर शिमला आकर के कहते हैं कि हमारा पैसा रोक दिया गया। मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे दायित्व पर व्यक्ति जब हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कब थोड़ा सा हमको संयम रखना चाहिए। आदरणीय मोदी जी की छवि को खराब करने की अगर इस तरह से अगर कोई हिम्मत की तो हिमाचल के लोग माफ नहीं करेंगे, हम उनके एहसान को चुकता ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं जिक्र करूं अगर प्रदेश सरकार का, भाई और बहनों सचमुच में बहुत दुख होता है। 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया और 6 महीने में ये हिमाचल जहां छोड़ा था वहीं का वहीं खड़ा हो करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है, मानो ऐसा लग रहा है। आप कल्पना करिए क्या परिस्थिति बन गई। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आज 14 तारीख बीत गई। हजार से ज्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे कर्मचारी बेचारे जो बहुत मजबूरी में उस काम को करते हैं, जब उनके पास आय का कोई साधन नहीं, परिवार को पालने का कोई और माध्यम नहीं था, तो उन्होंने आउटसोर्स में नौकरी ज्वाइन करके अपनी सेवाएं देने का निर्णय किया। 6,000 से ज्यादा लोगों को निकाल करके घर फेंक दिया। कहा था उन्होंने गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां, कहा कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 6 महीने बीत गए, 6,000 कर्मचारियों को घर भेज दिया आपने नौकरी से निकाल कर। उसके बाद क्या उम्मीद करेंगे। जो हाल ही में घटना हुई है चंबा की, उसको हम भूल नहीं सकते। एक नौजवान का शरीर 8 हिस्से में काट दिया, क्या यही कानून व्यवस्था है? तो खुद ये बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के बात करने का मन है, समय की कमी है, मैं बहुत लंबा नहीं कहना चाहता हूं। गोबर की गारंटी दे रखी है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी दे रखी है, और यहां बहुत सारी चीजों को लेकर के ये कहा है कि हम ये भी करेंगे वो भी करें। दूध 80 रुपए गाय का, 100 रुपए भैंस का, लेकिन हमने गारंटी नहीं दी, हमने काम किया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।